नमस्कार, मैं मदन लाल रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज का प्रायोगिक कार्य का अपना विषय है मानक क्षारीय विलयन की सहायता से अज्ञात क्षारीय विलयन की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन एल्केलाइन सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग विथ स्टैंडर्ड एल्केलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक विलयन कौन कौन से चाहिए। आवश्यक विलयन में देखिएगा, सबसे पहले NaOH का मानक विलयन चाहिए। मानक विलयन का मतलब ज्ञात विलयन, ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता अपने को ध्यान है। N/20 NaOH का मानक विलयन चाहिए। दूसरा HCl का माध्यमिक विलयन चाहिए। यहाँ HCl माध्यमिक विलयन के रूप में काम में लिया जाएगा जो ब्यूरेट में भरा जाता है। तीसरा सोडियम कार्बोनेट का अज्ञात विलयन, है ये विलयन, वो विलयन है जिसकी नॉर्मलिटी अपने को पता नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अज्ञात विलयन। चौथा सूचकांक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, यहाँ सूचकांक के रूप में काम में लेते हैं। अब देखिएगा इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब अपन टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में एक टाइट्रेशन अपन करेंगे NaOH और HCl के साथ में। NaOH अपने पास में यहाँ मानक विलयन है, यानी वो विलयन जिसकी नॉर्मलिटी अपने को ध्यान है, और HCl माध्यमिक विलयन के रूप में है। HCl माध्यमिक विलयन के रूप में काम में लिया जा रहा है, और इसके साथ जब इसको टाइट्रेशन करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो जब जो है NaOH की HCl से टाइट्रेशन करवाएंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा है अज्ञात विलयन, अपने पास में सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब HCl से रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये जो दूसरी अभिक्रिया है वो अज्ञात अपना जो विलयन है जिसकी पहले अपने को कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है और उसके बाद उसकी परसेंटेज प्यूरिटी ज्ञात करनी है, उसमें ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बाद में देखिएगा कि जो टाइट्रेशन अनुमापन अपन कर रहे हैं उस टाइट्रेशन का मेथड क्या है। टाइट्रेशन के मेथड में सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क में NaOH के मानक विलयन का 20 ml पिपेट आउट करते हैं, 20 ml पिपेट आउट कर लेते हैं। वो 20 ml पिपेट आउट करने के बाद के अंदर उसके अंदर दो ड्रॉप जो है वो इंडिकेटर की डाली जाती है मिथाइल ऑरेंज। तो बूंद इंडिकेटर की डालने के बाद में उसको मिश्रण को हिला लिया जाता है। अब यहां पर जो हिला लेने के बाद में अब इस मिश्रण के अंदर ब्यूरेट से HCl डाला जाता है जो एज ए इंटरमीडिएट काम कर रहा है। ब्यूरेट से HCl डाला जाता है तो एज ए इंटरमीडिएट काम कर रहा है, टाइट्रेट विद HCl एज इंटरमीडिएट। और रिएक्शन मिक्सर है, इसको लगातार हिलाते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है जो अपना जो रिएक्शन मिक्सर जो पहले बना था, एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाता है। जो कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, उसका एंड पॉइंट आ गया। उस एंड पॉइंट को अपन नोट कर लेते हैं ब्यूरेट से, वो कहलाता है V2, वो V2 अपने नोट कर लेते हैं। और इंटरमीडिएट जो है N2, इसकी नॉर्मलिटी अपने को ध्यान है N/20। तो पहली टाइट्रेशन ये करते हैं और इस टाइट्रेशन को बार बार रिपीट करेंगे, तीन या चार बार रिपीट करेंगे। तब तक रिपीट करेंगे जब तक दो रीडिंग समान नहीं आ जाती। दो पटांग एक जैसे आ गए इसका मतलब वो फाइनल रीडिंग अपनी है। तो यहाँ पर जब इस ये जो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को
ऑब्जर्वेशन टेबल होती है प्रेक्षण सारणी, उसमें नोट किया जाता है। जैसे मानक विलियन NaOH N/20 और माध्यमिक विलियन HCl के साथ में अनुमापन कर रहे हैं, तो इस अनुमापन के अंदर अपन टेबल बनाएंगे। इस टेबल में पहले है क्रम संख्या, दूसरा है कॉलम में उसमें पिपेट द्वारा लिया गया आयतन, पिपेट आउट कितना कर रहे हैं, उसके बाद ब्यूरेट द्वारा लिया गया आयतन उसमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है, अंतिम पाठ्यक्रम क्या है, और उसके बाद ब्यूरेट द्वारा लिया गया वास्तविक आयतन क्या है। तो जैसे मान लीजिएगा इसमें शुरू में 20 ml पिपेट आउट किया और ब्यूरेट का रीडिंग 0 है, टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन के 8.4 पर अपने पास में एंड पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया एंड पॉइंट। उसके बाद में इसी टाइट्रेशन को रिपीट करेंगे, 20 ml पिपेट आउट कर लिया, मिथाइल ओरेंज डाल दिया, ब्यूरेट को वापस 0 पे ले आए, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट भर के फिर टाइट्रेशन कर रहे हैं, और 18 पॉइंट पर यदि अपने पास एंड पॉइंट आ रहा है तो ये इसको नोट कर लेते हैं। फिर एक एक्सरसाइज और की जाती है, 20 ml पिपेट आउट कर लिया गया, फिर उसके अंदर मिथाइल ओरेंज डाला गया, ब्यूरेट को 0 पर लेकर के उसके बाद में वापस टाइट्रेशन किया, 18 पॉइंट पे फिर अपने पास में एंड पॉइंट आ गया। यहाँ पर अपने पास में दो रीडिंग कॉमन आ रही है, एक जैसी आ रही है, सेम आ रही है, मीन्स ये अपनी रीडिंग सेम है, तो ये वास्तविक ब्यूरेट द्वारा लिया गया वास्तविक पाठ्यांक या वास्तविक आयतन है, वो 18 cc या 18 ml है, जो वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो प्रेक्षण सारणी है, ये प्रेक्षण सारणी जो है वो NaOH और HCl की टाइट्रेशन के अंदर अपन कर लेते हैं। दूसरी टाइट्रेशन अपन करेंगे किसके साथ में, 20 ml अज्ञात विलियन जो अपने पास में, उस अज्ञात विलियन में से 20 ml पिपेट आउट करेंगे, फिर उसमें मिथाइल ओरेंज डालेंगे, फिर इस रिएक्शन मिक्सचर को शेक करेंगे, हिलाएंगे, फिर इस रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट करेंगे HCl से, जो ब्यूरेट में भरा हुआ इंटरमीडिएट के रूप में काम कर रहा है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं और रिएक्शन मिक्सचर को हिलाते रहते हैं, जैसे ही कलर चेंज होता है वो कहलाता है अपना एंड पॉइंट। उस एंड पॉइंट को नोट कर लेते हैं, वो है V4। अब यहां पर देखिएगा, ये जो रीडिंग कर रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल होती है दूसरी, दो नंबर की ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसमें माध्यमिक विलियन HCl और Na2CO3 के मध्य अनुमापन हो रहा है। यहां पर माध्यमिक विलियन HCl और Na2CO3 विलियन के मध्य में अनुमापन हो रहा है, उस अनुमापन की रीडिंग यहां पर नोट करते हैं। जैसे पहले रीडिंग ली 20 ml पिपेट आउट कर लिया, क्या मैंने पिपेट आउट किया अपन ने Na2CO3 विलियन, अज्ञात विलियन है उसको पिपेट आउट कर लिया। उसके बाद में ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक देखा 0 है, उसके बाद टाइट्रेशन शुरू करते हैं, तो ये पिपेट आउट करने के 20 ml पिपेट आउट किया और उसके अंदर मिथाइल ओरेंज जो है वो एज ए इंडिकेटर डाल दिया, ये रिएक्शन मिक्सर है इसको हिला लिया जाता है। उसके बाद जब ब्यूरेट से धीरे धीरे उसके अंदर जो है वो HCl ऐड करते रहते हैं और इसको हिलाते रहते हैं, जैसे ही एंड पॉइंट आया, कलर चेंज हुआ, वो पाठ्यांक अपन ने नोट कर लिया, वो जो पाठ्यांक नोट किया उसको अपन ने यहाँ लिख लिया। इसी तरह से अपन पहले वो इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, फिर 20 ml पिपेट आउट करेंगे अज्ञात विलियन, फिर उसमें दो ड्रॉप जो है वो इंडिकेटर मिथाइल ओरेंज डालेंगे, इस रिएक्शन मिक्सर को हिलाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो है ब्यूरेट की रीडिंग को जो है शून्य वापस करने के बाद में फिर अपन जो है वो उसके अंदर से ब्यूरेट से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन डालते रहते हैं और इसको हिलाते रहते हैं। एंड पॉइंट पर जैसे ही कलर चेंज होता है रीडिंग नोट कर ली जाती है, जैसे मान लीजिए ये 17 आ गई। इसी एक्सरसाइज को फिर रिपीट करेंगे, और रिपीट करने में सबसे पहले क्या करेंगे, 20 ml अज्ञात विलियन को पिपेट आउट करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, फिर उसमें दो ड्रॉप जो है मिथाइल ओरेंज की डालेंगे, फिर इस रिएक्शन मिक्सचर को हिलाया जाएगा अच्छी तरह से, फिर ब्यूरेट को वापस 0 पे कर लेते हैं, या उसके आगे की जो है वो इनिशियल जो है उसको भी अपन यहाँ पर ले सकते हैं, उसका जो फाइनल पाठ्यांक था उसको यहाँ इनिशियल पाठ्यांक भी लिया जा सकता है, फिर इसको टाइट्रेट किया जाता है, ब्यूरेट के HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है और मिश्रण को हिलाते रहते हैं। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, कलर चेंज हो रहा है, वहां पर फिर उस रीडिंग को नोट करते हैं, जैसे वो आ गई 70। मींस
यहां पर अपने पास में दो रीडिंग सेम आ रही है। इसका मतलब अपनी जो टाइट्रेशन है वो सही है और अपना फाइनल जो रीडिंग है वो 17 होगी, और ये 17 है ब्यूरेट द्वारा लिया गया वास्तविक आयतन है उसमें इस 17 को लिखते हैं। ये अपने पास में दोनों टाइट्रेशन हो गई। टाइट्रेशन से अपना ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसमें अपन ने रीडिंग नोट कर ली। रीडिंग नोट करने के बाद में अब क्या करते हैं, अब देखिएगा आगे आगे कैलकुलेशन की जाती है। जो रीडिंग अपन ने ली है इन रीडिंग्स की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ही अपन ने जो टाइट्रेशन की है वो मानक विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में की है, जिसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम N1V1 और N2V2 है, इक्वल टू N2V2। दूसरी रीडिंग अपन ने की है वो माध्यमिक विलयन और अज्ञात विलयन के साथ में की है, N3V3 और N4V4। यहां पर अपन देखिएगा, यहां पर भी माध्यमिक विलयन काम आ रहा है, यहां पर माध्यमिक विलयन का। माध्यमिक विलयन के वॉल्यूम जो हैं मींस N2 और N3 ये एक ही है, यानी N2 और N3 यहां पर बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, N4 क्या हो जाएगा, N4 इक्वल टू यहां पर N3V3 डिवाइडेड बाय V4, यानी जो अज्ञात विलयन था उस अज्ञात विलयन की नॉर्मेलिटी N4 अपन ने यहां पर ज्ञात कर ली। उस अज्ञात विलयन की नॉर्मेलिटी ज्ञात करने के बाद में उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। सांद्रता ज्ञात करने के लिए जैसे Na2CO3 है, इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके तुल्यांकी भार से, इक्विवेलेंट वेट से। तो Na2CO3 की सांद्रता इक्वल टू N4 इंटू Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तो यहां अपने पास में आ गई इसकी सांद्रता। अब सांद्रता अपन ने यहां ज्ञात कर ली, अब इसकी प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है, प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करने के लिए अपने को जो दी गई थी सांद्रता, वो दी गई सांद्रता डिवाइडेड बाई ज्ञात की गई सांद्रता जो अपन ने ज्ञात की है इनटू 100, यहां पर प्रतिशत शुद्धता आ जाती है। अब यहां पर देखिएगा, प्रतिशत शुद्धता के बाद में ये जो प्रयोग पूरा हो जाता है तब उसका रिजल्ट निकाल लिखा जाता, परिणाम। परिणाम में अपन ये लिखेंगे कि दिए गए विलयन की प्रतिशत शुद्धता जो भी अपने यहां पर आ रही है 92% है, 93% है, 94% है, ये है। इस तरह से ये अपना जो प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज है वो पूरी पूरी हुई है, जिसके अंदर अपन ने मानक क्षारीय विलयन की सहायता से अज्ञात क्षारीय विलयन की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात की हुई है। धन्यवाद।